डिजिटल हो रही दुनिया में इसका इस्तेमाल अपराध की दुनिया में भी तेजी से हो रहा है। आए दिन डिजिटल सोर्स के माध्यम से अपराधी नए नए अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि कानून के हाथ भी इनके गिरेबान तक जल्द ही पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अपराध का एक मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। यहां थाना विभूतिखंड पुलिस ने ऐसे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने यूट्यूब से अपराध का तरीका सीखा और फिर अपराध को अंजाम देने का खाका भी तैयार कर लिया। हालांकि ये अपराध को अंजाम तो नहीं दे सके लेकिन सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 6 बदमाशों ने एटीएम मशीन को काट कर उससे रुपए चुराने का तरीका यूट्यूब चैनल से सीखा था। तरीका देखने और सीखने के बाद बदमाशों ने विभूतिखंड और गोमती नगर इलाके में एटीएम को काट कर रुपए चुराने की कोशिश भी की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। एटीएम में लगा सीसीटीवी कैमरा इन बदमाशों को ना पकड़ पाए, इसके लिए आरोपियों के द्वारा कैमरे पर ब्लैक पेंट का स्प्रे कर दिया जाता था। यह तरीका भी बदमाशों ने यूट्यूब चैनल से ही सीखा था। पुलिस अधिकारी अमित कुमार के मुताबिक बहुत ही चिंता का विषय है कि कम उम्र के युवा डिजिटल सोर्स के माध्यम से अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए गैस कटर का भी आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही गार्ड रहित एटीएम की पहले या लोग रेकी करते थे, फिर मौका पाकर एटीएम में घुस जाते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को गैस कटर, कार, हथियार, मोबाइल फोन और नकदी के साथ ही कई अन्य सामान भी बरामद हुआ है। ये थाना विभूतिखंड पर 6 विषादी अपराधी पकड़े गए हैं। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग गैस कटर के माध्यम से एटीएम के अंदर उस शटर गिरा करके फिर अंदर एटीएम को काट करके वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश में थे। इनको थाना विभूतिखंड की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बरामदगी में आप सब देख ही रहे हैं, इनके पास से हथियार और एटीएम के कुछ पार्ट्स, गैस कटर, सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज़, लखनऊ।